देखिए आज संभल में ये नीचे कर लो थोड़ा। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने आईडी आज तक पड़ी जो सर्वे यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई, शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया, 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से, उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी, एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में, एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं, और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं, एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटकरवी से हैं, बिलाल जो सरायतरीन से हैं, और नुमान जो हयातनगर सरायतरीन से हैं। इन 3 लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं, और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा, बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या है 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया, उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थीं। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है, दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं, और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है, और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है, और हम किसी भी तरीके की घटना, इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं, और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। सर, जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी जो सर पथराव हुआ है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा, जहाँ पे हम और मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है, और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीजें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें ना करें, इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमनो चमन को अमन को भी खतरा है, और
सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है, और कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को, जितने सारे लोग हैं वो सबकी, पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है, जितने सारे लोग वहां आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है पथराव करने गए क्यों। एक दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि दो पक्ष तीन पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखेंगे पुलिस के टियर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी, और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसे ही धर्म का काम करने नहीं जा रहा, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं।